नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले वीकेंड है तो वीकली एनालिसिस सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद डेली और फिर हम लोग 15 मिनट चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमारा फ्राइडे को जो मतलब जो थर्सडे के लिए हमने एनालिसिस किया था एक्सपायरी के लिए एनालिसिस, काफी मुझे लगता है बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, निफ्टी उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाया। परंतु अभी हम लोग अगर मार्केट देखें तो एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकआउट मार्केट दे चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 वीक से मार्केट लगातार बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट आपको दे यहाँ से और अपसाइड पर फिर इस तरह से मार्केट मोमेंटम करे। ठीक है, अब देखिए ये रिट्रेसमेंट आए नहीं आएगा ये जरूरी नहीं है, परंतु हम एटलीस्ट मार्केट में ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है या फिर मार्केट में फिर से एक ग्रीन कैंडल अपसाइड पे बन सकती है। ठीक है, या फिर मार्केट में एक फिर से एक पॉज मार्केट में बना सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो पोजिशन साइजिंग है वो बहुत मतलब काफी कम कर लेना है, उसको चेक में रख के मार्केट में ट्रेड करना है। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए अपसाइड में मूव करता है तो भी हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें, और अगर मार्केट नीचे साइड पर आता है तो हम घबराएं नहीं, अपनी पोजीशन साइजिंग इतनी ज्यादा ना हो कि हम मार्केट में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं हड़बड़ाऊं नहीं मार्केट में। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अभी देख लेते हैं, जैसे बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग पहले डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड पर मूव करता है तो 17,850 के ऊपर, 17,850 के ऊपर मुझे लगता है कि मार्केट में आप बाइंग यहां पर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से निफ्टी मूव कर रहा है, यहां पर किसी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को टच भी किया हो यहाँ पर। ठीक है, थर्सडे वाले दिन भी निफ्टी प्रीवियस लो को अपने टच नहीं करा, तो अगर मार्केट अपसाइड पर मूव करता है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिल सकता है। परंतु उसके लिए 15 मिनट चार्ट पर मैं चलता हूँ, तो ये 8850 के ऊपर, 17,850 के ऊपर मैं चाहूंगा यहाँ पर मार्केट में, अगर अपसाइड पर जाता है मार्केट तो मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकूँ, परंतु एक छोटे क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में मुझे लगता है यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मार्केट में किसी भी तरह का सेलिंग मार्केट में प्लान करनी है तो निफ्टी में आपको रुकना पड़ेगा एटलीस्ट 17,750 लेवल्स के आसपास तक। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है किसी भी तरह का प्राइस एक्शन बनाता है तो मार्केट में आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्राइस एक्शन का आपको स्ट्रांगली यहाँ पर वेट करना है, बिकॉज चूंकि मार्केट एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है, और फिर आपको ऐसा नहीं, मेरी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी क्या राय रहेगी यहां पर, अगर मार्केट नीचे आता है तो यहां पर सेलिंग आप कर सकते हैं, परंतु इंतजार करिए कि कहां पर मार्केट एक रेंज बना रहा है या फिर एक बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, तो वहां पर आप अपनी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बायर जिन लोगों ने ये अप ट्रेंड मार्केट में मिस कर दिया है, वो लोग मार्केट में इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई एक अच्छा रिट्रेसमेंट आएगा और वो मार्केट में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर आप यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्वांटिटी, मार्केट में फिर से एक पार्टिसिपेशन आप अपना दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिन जहाँ से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अगर एक बड़े बड़े कैंडल, इस तरह के कैंडल अगर मार्केट में दिखाई देंगे तो एक बहुत अच्छा साइन है ये। परंतु मार्केट काफ़ी ज़्यादा पहले ही मूव कर चुका है, उसके बाद ये जब कैंडल बनते हैं तो ये एग्जॉस्टिव कैंडल होते हैं मार्केट में, कि जहाँ पर बहुत सारा पैसा आ चुका है और लोग अपना प्रॉफिट अभी यहाँ पर बुक करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इतना जहां तक किसी बंदे ने यहां तक होल्ड करके रखा है, फिर से उसको एक 500 पॉइंट का या 600 पॉइंट का मोमेंटम अगर मार्केट में मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बहुत मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, तो यहां से मे भी आपको एक डाउनवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, परंतु फिर से कहूंगा ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब भी मार्केट में आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई दे यहाँ पर, और फिर एक मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। परंतु अगर आप सेलिंग प्रेफर कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं सेलिंग मार्केट में करने के लिए, तो 42,000 के नीचे प्राइस एक्शन बनने दीजिए। 42,000 के नीचे जब प्राइस एक्शन बनेगा तब आप मार्केट में एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं है।
और क्वांटिटी बहुत, मैं फिर से बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि क्वांटिटी आपने काफी कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो बायर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में बाय करने की, किसी भी स्ट्राइक पर, किसी पर्टिकुलर लेवल पर, जैसे 41,500 हो गया, या इस जोन के आसपास भी अगर मार्केट कहीं पर आएगा तो फिर यहाँ पर एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी क्वांटिटी कम रखिएगा, अगर आपको स्टॉप लॉस भी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको ज्यादा गम ना हो, और अगर मार्केट थोड़ा मोमेंटम भी कर देता है तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि हमने कुछ कैप्चर किया है। ठीक है, यहीं से अगर मार्केट 42,200 के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, मान लीजिए यहाँ से 42,200 के ऊपर मार्केट मूव करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्वांटिटी कम रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर इतना बड़ा मार्केट अगर मोमेंटम कर चुका है और इसके ऊपर फिर से अगर मार्केट मोमेंटम करेगा, किसी भी तरह की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो कोई भी सपोर्ट नहीं है इसके लिए। 42,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां तक मार्केट बहुत इजीली फिर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी जो समय है, यहाँ पर एक आपको थोड़ा क्वांटिटी साइज कम रखना है मार्केट में, अगर सेलिंग, दूसरा मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है तो पार्टिसिपेट करना है लेकिन प्राइस एक्शन के बाद। ठीक है, और क्वांटिटी उसमें भी कम रखनी है, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी आपको फिर बाइंग आ सकती है, और यहाँ पर इन जगहों पर आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में क्या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली है वो मार्केट में एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे, और मार्केट रेंज बनाता है, मार्केट नीचे साइड पर जाता है, तो फिर से मार्केट में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सेलिंग आप देखने को देख सकते हैं, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी जब भी मार्केट इन लेवल्स के आसपास पहुंचेगा या अपने सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंचेगा, वहां पर फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मुझे फिर से लगता है कि यहां से एक सेलिंग आपको देखने को जरूर जरूर मिल सकती है। मार्केट अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है, अपने क्लोजिंग जहां पर क्लोज किया उसके आसपास ओपन होता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। मार्केट अगर हाई क्रॉस कर रहा है तो मार्केट के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, अब लेकिन अपना प्रॉफिट बहुत टाइटली ड्रिल करके चलिएगा। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में भी यहाँ पर देखेंगे तो आप, अगर मार्केट इसी फ्लैट एरिया में कहीं पे ओपन होता है, अपसाइड पर जाता है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कोशिश होगी यहाँ पर कि बाय करने की, परंतु प्रॉफिट टाइटली ट्रेल करके चलना है। ठीक है, और नीचे साइड पर आता है तो मैं सेल नहीं करूंगा जब तक एक निगेटिव प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और इन सपोर्ट जोन के पास या फिर इन स्विंग्स के आस पास मुझे मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए मुझे मार्केट में इंतजार करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्ट्राइक्स, जो एक्टिव स्ट्राइक्स हैं उनमें 17,800 बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब मार्केट में 17,800 के नीचे प्राइस एक्शन बनना शुरू होगा, 17,800 के नीचे, तो आपको थोड़ी एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 42,000 और 42,500 मल्टीपल्स में बेसिकली 42,000 पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो भी मार्केट में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एफआई एक्टिविटी कोई खास डिसाइसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स भी बाय करे गए हैं, पुट्स भी बाय करे गए हैं, यहाँ पर फ्यूचर्स में भी बाइंग हुआ है, तो यहाँ पर पुट्स थोड़े से ज़्यादा हैं कॉल से, तो ये थोड़ी सी इनडिसाइसिव एक्टिविटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है अभी के लिए। तो ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्वांटिटी साइज यहाँ पर हमें हमारी कम कर लेनी चाहिए आगे आने वाले सेशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी रैली हमें वैसे ही मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, एक अच्छे लेवल मिलेंगे हमें मार्केट में एंटर होने के लिए, परंतु उसके लिए क्वांटिटी कम करके हमें ट्रेड करना है। ठीक है, ताकि हम, अगर मेरा बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। निफ्टी के लिए 17,850 एक बाइंग लेवल है, 42,100 बैंक निफ्टी के लिए एक बाइंग लेवल है, और सेलिंग लेवल 17,800 एंड 42,000 लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रिस्पेक्टिवली, परंतु प्राइस एक्शन के बाद, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में आप बिल्कुल ट्रेड करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बढ़ते हैं डॉलर के एनालिसिस की तरफ। तो जैसा हमने कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लो मार्केट का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब भी जब भी मार्केट फिर से अगर इस स्विंग के ऊपर भी जाता है तो यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस तरह की कैंडल अगर मार्केट में आपको जब भी दिखाई दे तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मार्केट में सेल करने की, क्योंकि ये मार्केट अभी केवल सेल ऑन राइज ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कॉल सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। जब मार्केट ये इस तरह का कैंडल मार्केट में आपको बनता दिखाई दे, रिजेक्शन देखे अपसाइड पर, अपर लेवल्स पर, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं मार्केट में फिर से एक फ्रेश सेलिंग करने की।
दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी डॉलर का एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल करिए सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, एंड हेज के साथ ट्रेड करिए। हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेंसिबल। बाय बाय।